तो फ्रेंड देखिए फाइनली ना हम अंदर आ गए हैं। अभी शायद लाइट का पता नहीं क्या मसला है, अभी लाइट अभी है नहीं, शायद वहाँ बोलना पड़ेगा तो लाइट जल जाएगा। एक टेबल मुझे दिख रहा है और देखिए ये एकदम दो बेड यहाँ पे दिख रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन है, साफ़ किया गया है और फैन वगैरह सब है। और देखिए बाथरूम देखिए कितना बड़ा है, अटैच बाथरूम। जी हाँ देखिए यहाँ नहाने का भी है और यह बेसिन है और इंडियन बाथरूम है, काफ़ी बड़ा बाथरूम है। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल भाई चले, फिर से स्वागत है। खैर मकदम है हर बार की तरह इस बार भी बढ़िया ब्लॉग लेकर, एंड आई होप कि ये ब्लॉग जो है ना आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि अब है ही बहुत फ़ायदेमंद वाला, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त। तो मैं बता दूं, मैं भी हूँ जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं भी हूँ कहाँ, तो नवाबों की नगरी लखनऊ में। जी हाँ मैं लखनऊ में हूँ और आपके बैक टू बैक अभी लखनऊ का वीडियोज़ दे रहा हूँ। इसके बाद अभी बहुत सारे यूपी के ब्लॉग आएंगे, पंजाब के ब्लॉग आएंगे, लेकिन अभी जो मैं ब्लॉग दे रहा हूँ ना वो कहाँ का दे रहा हूँ, जस्ट जो चारबाग रेलवे स्टेशन है लखनऊ जंक्शन, और वहाँ आप आ रहे हैं और कुछ अच्छा सस्ता, चाहे सिंगल हो तो, स्टूडेंट हो तो, या फैमिली के साथ हो तो, अगर आप रहने का कोई होटल खोज रहे हैं या धर्मशाला कुछ भी खोज रहे हैं ना तो बहुत बढ़िया आपको मिल जाएगा। जी हाँ मैं खोज कर आया हूँ, जस्ट हमारे सामने आप देख रहे हैं ना, ये शाह गया प्रसाद धर्मशाला। जी हाँ शाह गया प्रसाद धर्मशाला है ये, और मैंने अंदर जाकर देखा है, मुझे यहाँ का सुख सुविधाएँ जो है इतनी पसंद आई ना कि आपको भी पसंद आएगा। और प्राइस की बात करूँ ना तो प्राइस भी यहाँ इतना बढ़िया है ना, 150 रुपया में आपको बड़ा रूम मिल जाएगा, सिर्फ उसमें अटैच बाथरूम नहीं है, लेकिन आपको 150 रुपये में रूम मिल जाएगा, 24 घंटा आप इजीली आसानी से रह सकते हैं। ऐसे 3 दिन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के लिए मिलता है, बाकी ऑनर के ऊपर है, वो आपको रहने दे, लेकिन 3 दिन आप इजीली पर डे 150 रुपये के हिसाब से रह सकते हैं बड़ा सेपरेट रूम में। और अगर अटैच बाथरूम चाह रहे हैं, और मैं बता दूँ 150 वाला में अटैच बाथरूम नहीं है लेकिन रूम बड़ा है, बिजली लाइट पंखा सब है, 250 वाला में ना आपको सेपरेट रूम है, सेपरेट रूम तो है ही, साथ साथ अटैच बाथरूम भी है, लाइट वगैरह सब है। हम अंदर चलेंगे और काफ़ी बढ़िया धर्मशाला है यहाँ पे, और 24 घंटे का मैंने बता ही दिया चेक इन और चेकआउट टाइम, और साथ ही साथ बता दूँ कि यहाँ पे सुबह 10 बजे गेट बंद हो जाता है और 6 बजे फिर यह ओपन होता है। तो चलिए सारे हम चलते हैं अंदर, आपको अब पूरा अंदर से दिखाते हैं, ये वीडियो बहुत ही फ़ायदा करेगा, बजट कम है तो, और इससे पहले भी आपने ब्लॉग मैंने दिखाया था वो भी अच्छा है, बट वहाँ थोड़ा सा कॉस्टली था ये धर्मशाला से, लेकिन सुख सुविधा साफ़ सुथरा ज़्यादा था, वो मुस्लिम मुसाफिर खाना, यात्री निवास मुसाफिर खाना वाला, तो वहाँ भी रह सकते हैं, बजट कम है, 150 रुपये में 4 सेपरेट रूम, तो वहाँ सेपरेट रूम 300 मिल रहा था, यहाँ 150 मिल रहा है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। चलिए चलते हैं अंदर, और ये भी बहुत फायदेमंद धर्मशाला है आपके लिए, चलिए अंदर चलते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए तो फ्रेंड फाइनली ना हम लोग अंदर आ चुके हैं, और कुछ इस तरीके का हमारा धर्मशाला दिखता है अंदर से। चलिए हम चलते हैं अपने रूम की तरफ और आपको रूम पूरा खोल कर अच्छे से दिखाते हैं कि रूम कैसा है। तो फ्रेंड फाइनली हम लोग रूम खोल रहे हैं, चलिए अंदर चलते हैं। तो फ्रेंड देखिए फाइनली ना हम अंदर आ गए हैं, अभी शायद लाइट का पता नहीं क्या मसला है, अभी लाइट अभी है नहीं, शायद वहाँ बोलना पड़ेगा तो लाइट जल जाएगा। एक टेबल मुझे दिख रहा है और देखिए ये एकदम दो बेड यहाँ पे दिख रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन है, साफ़ किया गया है और फैन वगैरह सब है। और देखिए बाथरूम देखिए कितना बड़ा है, अटैच बाथरूम। जी हाँ देखिए यहाँ नहाने का भी है और यह बेसिन है और इंडियन बाथरूम है, काफ़ी बड़ा बाथरूम है, और इसका चार्ज मैं बताऊँ तो सिर्फ 250 रुपया। जी हाँ देखिए, और स्पंचियर भी है, तकिया भी है, तो ये तो भाई लखनऊ में आपको बहुत बढ़िया है। और अटैच बाथरूम ले रहे हैं तो मैं बता दिया 250, आप बिना अटैच बाथरूम लेंगे तो 150। यहाँ देख सकते हैं एकदम टहलने के लिए भी है, एकदम बढ़िया, और सामने पानी वगैरह सब कुछ है, वहाँ पे आप देख ही रहे हैं, देखिए कितना बड़ा ये है। और फ्रेंड आई होप कि आपको ये धर्मशाला पसंद आया होगा, बहुत ही बढ़िया है, अभी लखनऊ आ रहे हैं ना, कम बजट में है, तो मैंने जैसा कि अंदर दिखाया बहुत ही बढ़िया है, आप यहाँ रुक सकते हैं। तो चलिए फिर आ जाते हैं खास ब्लॉग के साथ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरीके का जो है ना वीडियो मैं पूरे हिंदुस्तान से लाता रहूँगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए शहर से, अपना ख्याल रखिए, टिल देन बाय।